ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी का एक बड़ा भंडाफोड़ किया है और 450 किलोग्राम हीरोइन बरामद की है। ये ऑस्ट्रेलिया में नशीले पदार्थ की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन बरामद की गई हो। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रहा है। मीडिया में खबरों के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि अवैध ड्रग्स की बरामदगी कर 225 लोगों की जान भी बचाई गई है जो इससे प्रभावित हो सकते थे। बरामद नशीले पदार्थ को टाइल्स के अंदर एक कंटेनर में छुपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक मलेशियाई नागरिक को गिरफ्तार भी किया है जो ऑस्ट्रेलिया में ड्रग्स की अवैध सप्लाई में जुटा हुआ था। गौरतलब है कि इससे पहले हिंदुस्तान में भी ड्रग्स को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल मचा था जब बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।